हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में पूर्व बसर गांव में विकसित भारत संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। शिविर में चुरू सांसद राहुल कस्बा और जिला कलेक्टर काना राम ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत करवाया। शिविर में सांसद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से करीब 450 रुपए में गैस सिलेंडर, पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क चिकित्सीय लाभ से आम जन लाभान्वित हो रहे हैं। कैंप में पारंपरिक तरीके से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हुए प्रचार रथ का स्वागत किया गया। इस मौके पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई है। लाभान्वितों को अभिनंदन पत्र वितरित किए गए हैं। शिविर में खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कृषि विभाग ने जिला कलेक्टर और सांसद की उपस्थिति में नैनो फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हुए ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रगति के बारे में पूछा गया। हनुमानगढ़ से राज रतन पारी की रिपोर्ट। तो उन्होंने आज मेरी बात मानी और सरपंच स्थानीय ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हमारे विभाग के सभी अधिकारी प्यारे ग्रामवासियों और बच्चों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा है कि 2000